चीन की विध्वंसक रियल वॉर एक्साइज ब्रेक करी वीडियो के साथ। ये देखिए वीडियो देखिए, एमएन सब करेगा। ताइवान को लेकर अमेरिका पर दबाव की नीति, ये बड़ी खबर। अमेरिकी मिसाइल तैनाती के बाद फैसले, मिसाइल तैनाती के फैसले के बाद ड्रिल। समंदर में चीनी फाइटर व्हीकल का एक्शन, ड्रिल के दौरान 105 एमएम राइफल से भी फायरिंग की गई। ये देखिए जरा फुल फ्रेम पे शॉट दिखाइए, समंदर में चीन की वॉर ड्रिल। ये एक तरीके से प्रैक्टिस है, ये दबाव बनाने की कोशिश है। खबर है सीधा, ये एक और बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं। भारत तैयार है चीन पाकिस्तान से निपटने की तैयारी। ब्रेक करिए राहुल, सिर्फ ब्रेकिंग। भारत के तेजस से चीन और पाक की बड़ी टेंशन। बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना को मिलेंगे 57 तेजस फाइटर जेट मिलेंगे। करेक्ट करिए, ये देखिए आईएफ को अपग्रेडेड सुखोई और एयरक्राफ्ट भी मिलेगा। 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी, यह इस वक्त की बड़ी खबर। राहुल विद द वीडियो दिखाइए जरा, यह बड़ी खबर। भारत को मिलेंगे 97 तेजस फाइटर जेट, 156 प्रचंड हेलीकॉप्टर्स की खरीद को मंजूरी, यह बड़ी खबर। उसने मुझे बोला वो यरूशलम जा रहे हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर मैं आपको दिखा रहा हूं, दोनों वीडियो दिखाइए जरा, ये दोनों वीडियो देखिए जरा। इस वक्त की बड़ी खबर, दोनों वीडियो आपके सामने हैं। एक तेजस एयरक्राफ्ट का और दूसरा वीडियो, टू विंडो दिखाइए जरा, जब प्रधानमंत्री ने तेजस को फ्लाई किया था। यह देखिए जरा, ये दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए और मैं सीधे चलूंगा। इस वक्त दोनों ब्रेकिंग दोनों शॉट लीजिए, सीधे मैं चलूंगा। मेरे साथ मेरे खास मेहमान और मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सीधे चलिए। यहां पर जो मेरे खास मेहमान और मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं, सबसे पहले आपको स्क्रीन पर मेरे साथ जलजीड़ी बख्शी दिखाई दे रहे हैं, मेरे साथ मनीष झा दिखाई दे रहे हैं। सर, चाइना ने अपनी वॉर ड्रिल का वीडियो जारी किया बख्शी सर, और भारत को 97 तेजस मिलने वाले हैं। ये बहुत बड़ा मैसेजिंग है चाइना की, वो टिपिकल हॉलीवुड स्टाइल वॉर ड्रिल और भारत का रियल कॉन्क्रीट एक्शन। व्हाट डू यू मेक आउट ऑफ इट सर, क्विक रिएक्शन बख्शी साहब। देखिए, सबसे पहले मैं कई दिनों से कह रहा हूं कि चीन देख रहा है कि इस वक्त अमेरिका दो जगह फंसा हुआ है, रशिया यूक्रेन में, मिडिल ईस्ट में। ठीक है, ये उपयुक्त समय है उसके लिए ताइवान पे दबाव डालने का, और वो जो है अपनी फाइनल वॉर ड्रिल कर रहा है। दो पहले वॉर ड्रिल उसने कर ली थी, एक था जो कि एयर कंट्रोल और मैरिटाइम कंट्रोल स्थापित करना, दूसरा था ब्लॉकेड, अब तीसरा ये है एम्फीबियस असॉल्ट क्रॉसिंग। ये वो संकेत दे रहा है कि मैं बिल्कुल फुल एंड फाइनल तैयारियां कर रहा हूँ ताइवान पे हमले की। अगले साल कभी भी ये हमला हो सकता है मेरे एनालिसिस के अनुसार, कि वो अमेरिका की व्यस्तता का, अमेरिका के प्री ऑक्यूपेशन का पूरा फायदा उठाना चाहता है, ठीक है, और इस वक्त वो ताइवान पे दबाव डाले। ठीक है बख्शी सर, ओके बख्शी सर, बी विद मी।